दस महीने का खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करेंगे, दो महीने का खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करेंगे, यानी कि 12,000 रुपए आपके यहाँ हो गए और 4,000 रुपए यहाँ हो गए। तो ये था टाइमिंग, इसने टाइमिंग ने मुझे बताया कि 20,000 का खर्चा वहां बुक करना है और 4,000 का खर्चा अगले साल जाके बुक करना है, एक साथ सारा खर्चा मत बुक कर देना। अगर ऐसा कोई टाइमिंग डिफरेंस ना हो, कंसेप्ट ना हो, कन्वेंशन ना हो, तो 24,000 रुपए तो मैंने आज पे कर देते, मैं खर्चा आज ही बुक कर सकता था, है ना। मान लीजिए आपने ये जो कार खरीदी है 10,00,000 रुपए की कार है, इसकी लाइफ अज्यूमिंग 15 ईयर्स है, जो गवर्नमेंट की डिसाइड की हुई लाइफ है। पेट्रोल कार 15 साल चल सकती है दिल्ली में, ना 15 साल की लाइफ है। तो क्या ये 10,00,000 रुपए का खर्चा आज ही बुक कर दूं, 10,00,000 रुपए का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज डेबिट कर सकता हूं, पैसे तो मैंने आज दिए हूं तभी कार मिली है, कैश चेक जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे 10,00,000 रुपए दिए, कार तो तभी मिलेगी बिना पैसे दिए, कार तो दे नहीं रहा, कार बिना पैसे दिए देगा तो ओला उबर देगा, एक डस्टबिन में जाकर उतार देगा, गेट खोल देगा, भाई साहब उतर जाओ। तो कार तो आप ले आए हो अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने का मतलब समझते हो ना, खर्चा बुक कर रहा हूं, तो 10,00,000 रुपए खर्चा बुक कर दो आज। अच्छा जब मशीनरी लाते हो आप, मशीनरी का खर्चा बुक कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? अरे भाई साहब फिक्स एसेट बनाते थे कुछ चीजों को, ये क्या है? तो फिक्स एसेट कहां जाती है? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में जाती है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवा रहे हो 10,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,00,000 डेबिट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि कार कितने साल यूज करनी है मैंने? 15 साल। अकाउंटिंग कहती है जब किसी एसेट से, किसी मशीनरी से, कोई भी एसेट हो, मशीनरी हो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, उससे जितने साल आप रेवेन्यू कमाओगे ना, उतने ही साल में उसके खर्चे को बांटोगे, यानी कि उसके एक्सपेंस को उसकी लाइफ में बांटोगे, जिसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, है ना। डेप्रिसिएशन उसी साल से लगता है जिस साल से आप खरीदते हो, अगले साल नहीं मिले। अगर मान लीजिए 10,00,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए, तो बैलेंस शीट में तो कुछ बचा नहीं है, डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, है ना। तो कार का खर्चा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आपको 10,00,000 रुपए कहां ले जाने पड़ेंगे? बैलेंस शीट की फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट में ले जा रहे हो क्यों? क्योंकि आपने इस कार से 15 साल यूज करना है, तो 15 साल में आप इसको कंज्यूम करोगे, इसका एक्सपेंस 15 साल में ले जाके खर्च करोगे, है ना। करीब 60-65,000 रुपए साल का आएगा, है ना, 65,000 के आसपास उठाना चाहिए, तो हर साल में डालोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि इनकम टैक्स को समस्या है, ये तकलीफ हम लोगों को तो समझ आ गई। आप मान लीजिए क्या होता है, जब आप मान लो 10,00,000 रुपए खर्च कर दिए, अब आपका इस साल प्रॉफिट ज्यादा आ गया, तो जैसे ही आप डेप्रिसिएशन डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है अगेंस्ट द कैपिटल एसेट्स, आपका डेप्रिसिएशन जैसे ही एंट्री डालोगे आपका प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम हो गया। अब इनकम टैक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप तो कह रहे हो मेरी 15 साल कार चलेगी, तो आप 15 से डिवाइड करोगे, 60-65,000 रुपए डेप्रिसिएशन ले पाओगे। आपके पास प्रॉफिट कम था तो आपका टैक्स वैसे भी कम, आपने कम है तो 15 या 20 भी चला दूंगा सर, चिंता मत करो। इनके पास प्रॉफिट ज्यादा था, इनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये बोलेंगे मेरी कार तो मुश्किल से 3 साल चलेगी, मैं तो 3,00,000 रुपए डेप्रिसिएशन इसी साल ले लेता हूँ, 15,00,000 की कार है, 3 ही साल चलेगी मेरी, तो मैं तो दिन भर कार में रहता हूँ और काम ही नहीं मेरे पास, तो मेरी कार का तो इस साल 3,00,000 का डेप्रिसिएशन चाहिए, 3,00,000 का खर्चा डालेंगे और अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे, टैक्स बचा लेंगे। तो अब इस बात की लड़ाई को सुलटाने के लिए कि किसकी कार कितनी चलेगी, इनकम टैक्स ने बोला तुम अपने अपने कंसेप्ट अपने पास रखो, अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी अकाउंटिंग के पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अकाउंटिंग कह रही है आप वही करो, मुझे करो नहीं। जब मेरे पास आओगे ना टैक्स लेने, बिजनेस की इनकम पे आप टैक्स देने आओगे, तो डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से लगाना, जो अकाउंटिंग ने बोला था बुक्स में वो डालो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप टैक्स देने की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन मेरी मर्जी का लगाना, अपनी मर्जी का मतलब है ना। अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में कई जगह पे भी जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कई जगह पे दिखेंगे कि अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में क्लैशेस हैं, तो इनकम टैक्स अकाउंटिंग की कंसेप्ट को मना कर देता कि तुम वो चीज वहीं सुनाना, मुझे मत सुनाओ, मेरे पास आओगे तो मेरे तरीके से बात करोगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग कहते हैं कि 15 साल चलेगी, इनकम टैक्स कहता है कि 15 साल नहीं चलेगी, मैं बोलूंगा उतने साल चलेगी, ठीक है। अब वो बोलेगा कि ये कार बताओ किस लिए, ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो तो 30% डेप्रिसिएशन ले लेना, लगभग 3-3.5 साल चलेगी। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो तो 15% डेप्रिसिएशन लोगे तो करीब 6 साल चलेगी आपके पास, तो वो लेनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन के रेट इनकम टैक्स ने अपने तरीके से बताए हैं, क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो 15 से, तो कोई एडिशनल खर्च कर रहे हो आप, जब आप इसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो तो कोई एडिशनल खर्चा डाल रहे हो, मतलब कैश अलग से जा रहा कोई नहीं, केवल इसका डिवीजन ही तो है, इसका डिवाइड करो 15 से डिवाइड करो, 3 से करो, जिसमें जी करो डिवीजन करो, आप एडिशनल कोई पैसा तो नहीं दे रहे, जो देना था वो तो दे चुके हो आप, तो अब आप जितना मर्जी डेप्रिसिएशन लो उतना फायदा है आपका। तो इनकम टैक्स ने बोला नहीं, ये समझदारी मेरे को मत दिखाना भाई साहब, जो कंपनी एक्ट कर रही है उसकी कर लो, जो अकाउंटिंग कर रही है उसकी बात मान लो, लेकिन जब मेरे पर टैक्स देने की बारी आएगी तो अकाउंटिंग और कंपनी एक्ट वाला डेप्रिसिएशन हटा के बाहर रख देना, मेरा वाला लगाना जो मैंने बता रखा है।
तो वहां पे जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन जब आप प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी की अकाउंटिंग करोगे तो दो तरह का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट जो अकाउंटिंग में काम आता है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आप इनकम टैक्स में बताओगे। कंपनी ने बोला होगा इस पर 15 साल चलाओगे, इनकम टैक्स बोलेगा इससे आप 6 साल ही चलाओगे, तो 6 साल ही डेप्रिसिएशन मिलेगा चाहे कम हो या ज्यादा हो। मान लीजिए मैं अपनी बुक्स में फेक सैलरी डाल रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए सैलरी वैसे ही बोगस सैलरी डाल रहा हूँ, तो मुझे कभी ना कभी तो दिखानी पड़ेगी ना सैलरी दी किसको। अगर इनकम टैक्स ने स्क्रूटनी कर दी, इनकम टैक्स ने नोटिस आ गया कि भाई साहब आपने पिछले 4 साल से एक आदमी के नाम पर सैलरी दिखा रहे हो, जरा उस आदमी को बुलाना किसकी ये सैलरी हो, उसका बैंक अकाउंट लाओ, उसको नाम पैन नंबर तो देखा, वो भी अपनी सैलरी की इनकम दिखा रहा नहीं दिखा रहा, तो दिखा पाओगे आप? नहीं दिखा पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे रेट ना हो तो जो मर्जी मिलेगा, बनी तो कार 1 साल ही चली थी, 10 लाख आज ही खत्म हो गए मेरे तो, है ना। तो इसलिए रेट लगाए हैं कि कोई आदमी इसका मिसयूज ना करे, तो इनकम टैक्स इसलिए बीच में कूदा। अदरवाइज इनकम टैक्स को बीच में कूदने की जरूरत नहीं, अकाउंटिंग के पूरे चक्कर में कहीं नहीं कूदता वो, यही डेप्रिसिएशन है। एक दो जगह और इनकम टैक्स बीच में आ जाता है, कहता नहीं ये वाली बात मेरे तरीके से करना, अपने अकाउंटिंग के तरीके से मत करना। तो आपको टाइमिंग पता लगी, रिकॉग्निशन पता लगी, मेजरमेंट पता लगा, यहाँ पे अपने मेजरमेंट पता लगा 20,000 यहाँ का खर्चा है और 4,000 अगले साल का खर्चा है, बेसिक 24,000 बैंक से आज ही चले गए। इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या बोलोगे, 20,000 अभी ले ले और 4,000 चेक मार्च में ये दोबारा से इंश्योरेंस पॉलिसी होगी आपकी? नहीं, वो तो 24,000 आज ही ले लेगा। आपको अकाउंटिंग में रिकॉग्निशन अलग अलग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये वाला इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, प्रीपेड है, आपका एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है ना, तो प्रीपेड एसेट एक्सपेंस है। जैसे ही 1 अप्रैल आ जाएगा, 1 अप्रैल 23 आएगा, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा फिर, क्यों, क्योंकि नया करंट ईयर फाइनेंशियल चालू होगा। तो ये है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और टाइमिंग, कब किस टाइम पे क्या इनकम बुक करनी है, किस टाइम पे कितना एक्सपेंस बुक करना है। ये तो था अकाउंटिंग का बेसिक, है ना। अब अकाउंटिंग होती कितनी तरह से है, अकाउंटिंग हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोग सारे कर रहे हैं, दूसरी अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ट्रांजेक्शन और इवेंट के हो जाने के बाद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इवेंट होने से पहले, जब आप एस्टिमेशन करते हो, कोई बिजनेस एस्टिमेट करना है, कोई आपने नया बिजनेस चलाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप पहले उसकी एस्टिमेशन करोगे सारी उसकी। ऐसा नहीं होगा कल रात को मन में आया कि एक नया बिजनेस चालू करना है, सवेरे बैठ गए, नहीं वो नहीं होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, है ना। पहले कॉस्टिंग निकाली जाएगी, फिर उसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढे जाएंगे, कहाँ मेरा बेस्ट सेल हो सकती है प्रोडक्ट, तो पूरा काम किया जाएगा, पूरी रिसर्च की जाएगी उसके ऊपर, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है। तो अगर ऐसे ही ओवरनाइट रात को सोचा कि अरे कल सपने में आया था मुझे नारियल बेचने, तो लगे गए मंडी और 2 बोरे नारियल उठा लाए, पता लगा वो बेचने भारी पड़ गए, क्योंकि हर चीज का कस्टमर हर जगह अवेलेबल नहीं है ना। आपको अगर कोई बिजनेस करना है और लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब जियो ने लॉन्च करी थी अपनी स्कीम, तो क्या लगता है जियो ने ऐसे उठा के लॉन्च कर दी, बहुत पैसा है मेरे पास अबांडन में बांट दो, ऐसा हुआ होगा? नहीं, उसकी प्लानिंग तो क्लियर थी, उसकी प्लानिंग क्लियर थी। उसने क्या सोचा था, उसने ये सोचा था कि अगर मैं मान लीजिए आज एयरटेल है, वोडाफोन ऑलरेडी मार्केट में था, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया भी था, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा था, बचा बचा तो बाद में मर गया, तो 3-3 ऑलरेडी ऑपरेटर थे जो सक्सेसफुल चल रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद भी जियो ने अपने आप को लॉन्च करा, और जियो ने क्या सोचा होगा कि मैं पहले लॉन्च करूं, फिर मार्केटिंग के लिए बंदे रखूं, सेल्स टीम रखूं, सेल्स मैनेजर रखूंगा, एरिया मैनेजर रखेगा, टीम लीडर होगा, वो एक एक एरिया में जाएंगे, उनको कन्विंस देना पड़ेगा, उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, हो सकता है इंसेंटिव भी देने पड़े, 4 कनेक्शन ज्यादा आ गए तो इंसेंटिव भी बांटूंगा, मेरे को बहुत सारी कॉस्टिंग आएगी। तो उसने बोला अगर मान लीजिए सारी कॉस्टिंग और उसके अलावा सैलरी अलग, पता लगा कि स्टाफ छोड़ के चला गया, लेबर कोड चला गया, लेबर कोड के चक्कर अलग काट रहा है एक आदमी, ये सारी समस्याओं से ओवरकम होने के लिए उसने क्या करा फ्री बांट दिया। फ्री बांटने का फायदा क्या हुआ, लोगों ने लाइन में लग के कनेक्शन नहीं है, जो लोग आपको भी वोडाफोन एयरटेल में लाइन में लग के कनेक्शन लिया आज तक नहीं लिया ना, वो लोग वोडाफोन एयरटेल वाले जगह जगह छतरी लगाए हुए मिल जाएंगे आपको, नया सिम ले लो, नया सिम लो। जियो वाले देखे बहुत रेयर केस में मिलेंगे, और जिन दिनों लॉन्च हुआ था उन दिनों देखे थे, उन दिनों उन्हीं के काउंटर के बाहर लोग खड़े थे, सुबह तक खड़े रहते थे, शाम तक आते नहीं थे वहां, है ना, नंबर नहीं आता, उसके बाद भी कनेक्शन नहीं मिला, पता लगा कभी QR कोड नहीं जनरेट हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कनेक्शन मिल नहीं रहे थे। तो जियो ने क्या करा, फ्री में कनेक्शन बांटे, लोग घर आके कनेक्शन लेके, मतलब कि उनकी दुकान पे काउंटर पे आके कनेक्शन लेके चले गए, क्योंकि जियो को पता था कमजोर नब्ज क्या है, डाटा सबसे महंगा था उस टाइम पे, किसी को फोन करने के लिए नंबर नहीं चाहिए था, फोन तो इनकमिंग तो वैसे ही फ्री थी, आउटगोइंग भी बहुत सस्ती हो चुकी थी, फोन करने के लिए पैसा क्यों नहीं, सबको चाहिए था डाटा यूज करने के, और जियो ने डाटा दिया, फ्री में डाटा दिया, सबने सिम ली, 1 साल चलाया, उसे लगा अगर अभी बंद कर दूंगा हो सकता है लोग वापस चलाएं, 1 साल स्कीम एक्सटेंड कर दी।
तो जो उसने मार्केटिंग में पैसा खर्च करना था, प्रमोशन में एड बैनर ये वो सब खर्च करने थे, वो सारा उसने वाइन कर दिया। तो आज उसके पास घर बैठे बैठे कनेक्ट कस्टमर है। जिस आदमी ने 2 साल कोई फोन नंबर चला लिया वो आसानी से बंद नहीं करा पाएगा उसे, और लोगों ने बंद नहीं कराया। आज भी जो पहली सिम थी वो तो थी दूसरी जियो की लेके घूम रहे हैं घूम रहे ना। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी पूरी, उन्होंने पूरा उन्होंने प्लान करा होगा 2 साल में हमें कितना लॉस होगा, अगर उसके कंपेरिजन में हम मार्केटिंग करा के पैसा करें तो कितना लॉस होगा, नेट लॉस देखा होगा। मान लीजिए मार्केटिंग की डोर टू डोर मार्केटिंग की कॉस्ट आती थी 10 करोड़ रुपए और ऐसी कॉस्ट आई 15 करोड़ रुपए, 5 करोड़ का लॉस है, लेकिन मेरे पास कस्टमर दो जो 10 करोड़ खर्च करके नहीं आएंगे उससे ज्यादा आएंगे, वो कस्टमर परमानेंट रहेगा उसके पास परमानेंट। लोगों ने कईयों ने पोर्ट भी करा लिए, पोर्ट तो दोनों जगह है, जियो से निकल के भी गए हैं लोग, जियो से आए भी हैं, लेकिन जो कस्टमर इनिशियली उसने कैप्चर कर लिए वो उसने एक प्लानिंग के साथ कैप्चर करें। ऐसा नहीं था कि मुकेश अंबानी के पास पैसा बहुत है तो जितना मर्जी लुटा दे, नहीं, पैसा किसी के पास भी कितना हो लुटाने के लिए नहीं होता। वो बिजनेस स्ट्रेटजी थी जिसके अंदर उसने 2 साल एक्सटेंड करी वो स्कीम, फ्री की स्कीम। अब वोडाफोन एयरटेल कुछ भी कर लो, आज भी उनके पास उतने कस्टमर नहीं है जितने कस्टमर जियो लेके बैठा हुआ अकेला, तो जियो ने उनकी सारी मार्केट खा गया उठा गए। और अब प्राइस हाइक भी उसी की वजह से हुए, जियो ने प्राइस रोल आउट करे तभी बाकी लोगों ने प्राइस हाइक करें, वो उसके कंपटीशन के चक्कर में प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे थे। एयरटेल वोडाफोन के दम क्यों निकला, वोडाफोन का भी दम इसीलिए निकला, आइडिया का दम क्यों निकला, आइडिया इसलिए फेल हुआ क्योंकि जियो ने फ्री कर दिया और वो प्राइस बढ़ा ही नहीं पाए, वो प्राइस वार हार गया। आइडिया जो है आदित्य बिरला ग्रुप प्राइस वार हार गया, प्राइस वार हारने की वजह से उसने अपने आप को मर्जर कर दिया वोडाफोन में। तो वोडाफोन अभी चल रहा है, वोडाफोन फॉरेन कोलैबोरेशन है इसलिए वो चल रही है अभी। तो वोडाफोन के पास भी अच्छा खासा कस्टमर बेस है, ऐसा नहीं है कम नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जियो ने प्राइस बढ़ाने शुरू करे तो वापस एयरटेल और वोडाफोन ने भी बढ़ा दिए। तो पहले प्राइस वार छेड़ी उसनी थी जियो ने, तो मार्केट कैप ऑटोमेटिकली कब्जे कर लिया बिना कोई मार्केटिंग करे, कहीं नहीं गया, कोई सेल्समैन नहीं रखा, कोई सेल्समैन नहीं रहा, नहीं तो एक एम्प्लॉई को किसी को अगर किसी प्रॉपर कंपनी को रखना है तो सैलरी भी देनी पड़ेगी, बोनस इंसेंटिव पीएफ ईएसआई सब देना है। तो उन्होंने क्या करी थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराई थी, उन्होंने कॉस्टिंग कराई थी, सर्वे कराया था कितने एक्सपेक्टेड यूजर होंगे, कितने लोग मेरी स्कीम में आ जाएंगे, तो उन्होंने सर्वे करा, वो पूरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ होगा। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच हैपेंस बिफोर द फाइनल ट्रांजैक्शन हैपेंस। कोई भी फाइनल एक्शन होने से पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है पहले एस्टिमेट देना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट अकर होने के बाद, सेल हो गई, गुड्स बिक गई, एंट्री कर लो, ठीक है। गुड्स कितने की बिकनी थी, कितने की नहीं बिकनी थी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, कॉस्टिंग वाले का काम है, वो कॉस्टिंग निकालते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो बिफोर द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन होती है, रियल इवेंट होने से पहले है। तो मैनेजर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इन जनरल नहीं करते हैं, वो कोर एरिया दूसरा है, किसी और का है ना। ये कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, ये कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन है कुछ जिनको हम फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग की कंसेप्ट, अकाउंटिंग की कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन, मतलब हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं सब लोग वर्ल्ड वाइड इन्हीं को फॉलो करके कर रहे हैं। पहली क्या है, अक्रूअल कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ी मर्केंटाइल, कि कोई ट्रांजेक्शन जैसे ही अकर हो जाए उसे आप रिकॉर्ड कर लो, है ना, उसकी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश मत देखना, रिकॉर्ड कर लेना। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर पेमेंट करने की और सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन की एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट इज इंप्लाइड कंडीशन, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है, वो कहता है अगर ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कब होल्ड गुड करता है, जब ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी जो 6 फैक्टर थे वो सेम होने चाहिए, किसी सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, डिमांड में चेंज नहीं, डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ऑल बाकी 6 चीजें सही रहेंगी तो प्राइस के लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेंज काम करता रहेगा। तो ऐसे ही इसमें भी इंप्लाइड कंडीशन है कि आप अक्रूवल बेस को तब फॉलो करोगे जब सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन और पेमेंट दोनों एडजस्ट करते हैं। अगर आपकी नियत ही नहीं किसी को पैसे देने की, उस एक्सपेंस को बुक करके करोगे क्या, है ना। मान लीजिए आपने किसी से कोई सर्टेन पेमेंट ट्रांजेक्शन करी, अब आप उसको पैसे देना नहीं चाहते, आप कहोगे इसने ये करा था, इसने नुकसान करा, ये करा, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। आप उसको पैसे नहीं दोगे तो उस रिकॉर्ड को, उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके भी कोई फायदा नहीं है। आपने आज रिकॉर्ड कर ली, 2 साल 3 साल बाद पैसे दो नहीं रहे, तो जिस दिन आप उसे राइट ऑफ करोगे उसी दिन आपकी वो इनकम बन जाएगी, है ना। अगर आपने लायबिलिटी को राइट ऑफ करते तो इनकम बन जाती है, एसेट्स को राइट ऑफ करते तो एक्सपेंस बनता है। तो आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड करी आज 10 लाख रुपए की, अब इंटेंशन है ही नहीं पैसे देने की, कि उसने सामान खराब दिया था, ये दिया था, वो दिया था, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। कोर्ट जाएगा तो भी मैं अपने को जस्टिफाई करूंगा पैसे नहीं देने, मैंने इसने मेरे को सामान खराब दिया था, सर्विस खराब थी, गुड्स खराब थी, एज पर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था, तो मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। मैं उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए 3 साल बाद कोर्ट का डिसीजन मेरे पे आ गया, ठीक है आप इसको पैसे मत दो, अब मुझे लायबिलिटी राइट ऑफ करनी पड़ेगी, राइट ऑफ करते ही क्या होगी, मेरी इनकम आ जाएगी, तो फिर मैंने लायबिलिटी बुक क्यों करी। अगर यानी कि मैं लायबिलिटी बुक कर रहा हूं तो इंटेंशन तो क्लियर है कि पैसे तो देने,
कम ज्यादा वो हो सकते हैं, हो सकता है मैं लेटर में स्टेज पे बोलूं भाई मैं तेरे को 4 महीने बाद पैसे दे दे, मैं तेरे को 1 महीने बाद पैसे दे रहा हूँ, बता क्या डिस्काउंट देगा, कोई कैश डिस्काउंट दे सकता है? तो मैं तेरे को आज ही पैसे दूं, नहीं 4 महीने दूंगा जो अगली टर्म में, वो जो इनकम आएगी वो एडिशनल इनकम है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन है तभी मैं लाइबिलिटी बुक कर रहा हूँ, तभी मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, इनकम बुक कर रहा हूँ। अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म कहता है यू हैव टू बी प्रूडेंट, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंट कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या कहती है, आपको थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, आप मतलब खुले हाथ वाले मत बनना जब अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये ले लुटा दो वो अलग काम मत करना, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। यानी कि जब आप इनकम की बात करोगे तो कब बुक करनी है, जब सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन हो, लेकिन एक्सपेंस कब बुक करना है, जैसे ही आपको दिख जाए एक्सपेंस और लाइबिलिटी, आपको द मोमेंट यू केम टू नो कि हाँ एक्सपेंस और लाइबिलिटी आने वाली है, आप रिकॉर्ड कर लोगे, आप उसके लिए सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट की बात भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपको क्या बुक करना है कि अगर आपको एक्सपेंस और लाइबिलिटी दिख गई तो आपको रिकॉर्ड कर लेनी पड़ेगी उसी टाइम। आपको बिजली का बिल आया 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, फैक्ट्री का ऑफिस का बिजली का बिल आया 2.5 लाख रुपए का, आप मैनेजमेंट के पास कभी 2.5 लाख रुपए का बिल आया पेमेंट करने, बोला 2.5 लाख रुपए आज तक कभी बिल नहीं आया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप एक काम करो इसकी कंप्लेंट कर दो। आप पहुंचे बीएससीएस में, बीएससीएस वाले तो आपको पता कितने तेज काम करते हैं, उन्होंने बोला कॉपी एप्लीकेशन लिख के दो, ये वाला फॉर्म भर दो, लास्ट वाले बिजली के बिल की कॉपी लगा दो, पेमेंट और जो बिजली का बिल इससे पहले पे किया था उसकी कॉपी लगा दो और आना 1 महीने बाद। ये बिल है आपका 15 मार्च 2022, ये जब जब मार्च आता है ना तब तब दुखी करता है, अगर ये मार्च नहीं हो तो आधा काम कम करना पड़ेगा अकाउंटेंट को, ठीक है। तो 15 मार्च 2022 को बिल आया, अब उसने बोला 1 महीने बाद आना, फिर स्टेटस चेक करके बताएंगे आपको, जमा करा जाओ चेक करेगा क्लर्क हमारा क्या हुआ था, इतना बिल कैसे आया। तो 1 महीने बाद आने का मतलब क्या है कि 15 दिन बाद तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2022 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। तो ये 2,50,000 की लाइबिलिटी आप बुक करोगे या नहीं करोगे, करेंगे, है ना, यही ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म में, आपको एक्सपेंस और लाइबिलिटी आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फाइनल सेटलमेंट कितने पे होगा बाद की बात देखी जाएगी, मे बी ओवर देन दैट वो पता लगेगा कि बीएससीएस वाले कहने भाई साहब तो बिल बहुत कम आया है, तो बहुत सारी रीडिंग डालनी छोड़ गई, ये तो बिल 3.5 आना चाहिए था, तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ये 1 लाख में सेटल हो, हाँ हमसे गलती हो गई, क्लरिकल मिस्टेक हो गई डाटा एंट्री में, तो ये 1 लाख का बिल था, कुछ भी हो, लेकिन आज के मूवमेंट पे आपके पास लाइबिलिटी कितनी की है, 2.5 लाख रुपए, ये आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आज ही 15 मार्च को। कब करेंगे, 15 मार्च या 31 मार्च, 15 मार्च को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप ये होता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये इस कंसेप्ट ने बोला, आप एंट्री तो करते हो, कौन करवा रहा है आपसे, ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म करा रही है कि आपको लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस उसी मूवमेंट पे रिकॉर्ड कर लेनी है जब आपको पता लग जाए, ये आपको पता लग गई थी आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। अभी जो 2 लाख रुपए एडवांस मिले थे वो इनकम क्यों बुक नहीं करी, क्योंकि उसकी सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपने परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं दी अभी तक आपने, तो इसलिए आपको इनकम बुक नहीं करें। तो प्रूडेंस यही कहता है कि आपको एक्सपेंस और लाइबिलिटी इमीडिएट बुक करनी है, लेकिन इनकम तब तक नहीं बुक करनी जब तक सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं होगी। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन कैसे होती है, आप अपने पार्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, ये होता है आप दो लोगों को परफॉर्मेंस करनी होती है, जब परफॉर्मेंस दोनों की कंप्लीट हो जाएगी तो आप बाइंडिंग हो जाते हैं एक दूसरे को देने के लिए, आपने ऑर्डर दिया मैंने आपको गुड्स दे दी, आप बाइंडिंग हो गए हैं दूसरे के लिए, ठीक है, आपको मेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस जरूरी है किसी कंसिडरेशन के लिए, है ना, कंसिडरेशन था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या था, परफॉर्मेंस फॉर अ कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन तो वहां आना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है, मान लीजिए आपने मेरे को बोला चलो मैं आपको आज फ्री लंच कराता हूँ, तो फ्री लंच कराता हूँ, तो फ्री लंच कराता हूँ उसकी क्या मेरी इनकम है, वो आउट ऑफ द बिजनेस जाके आप मेरे को लंच कराए तो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर पाएगा अकाउंटेंट उसका, नहीं। तो कंसिडरेशन होना चाहिए बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, तो इनकम तभी बुक करोगे जब कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है। डबल एंट्री कंसेप्ट, हम अकाउंटिंग की जितनी एंट्री करते हैं सबके दो साइड इफेक्ट आते हैं, एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा, है ना, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, और डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर मैंने बोला मैंने बिजली का बिल 2.5 लाख रुपए का बुक करा तो 2.5 लाख रुपए की मेरे पास क्या आएगी, लाइबिलिटी। मैंने 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक कर लिया कि मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा होने वाला है, तो साथ में मैंने लाइबिलिटी बुक कर ली कि मैंने बीएसएस को डीएसयू को जिसको भी देना है उसको पैसे देने, अगर मैं आज दे दूं 2.5 लाख रुपए तो फिर मेरा कैश कम हो जाएगा सेम टाइम पे, है ना, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा तो उतने से या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या मेरा एसेट्स कम हो जाएगा, कोई एक चीज कम हो जाएगी। तो डबल साइड इफेक्ट क्या होता है, डबल एंट्री से हर एंट्री का दो साइड इफेक्ट आएगा, और वो जरूरी नहीं है दोनों एक जैसी नेचर की हो, अभी जब हम अकाउंटिंग नेचर करेंगे तो फिर देखेंगे।